अगर आप नाप तौल से कोई भी सामान बाई करते हो तो कृपया आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि नाप तौल पे काफी ज्यादा फ्रॉड आजकल चल रहा है। जैसे कि मैंने एक सामान बाई किया था जो कि लगभग 600 रुपए का था, ठीक। उसमें बहुत सारे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जा रहे थे अच्छा अच्छी चीजों का कि इसमें ये बेनिफिट है, पर जब वो सामान आया तो आपको कैसे बताऊं, मतलब किस शब्द में बताऊं, ये भी मेरे पास नहीं है। इतना बकवास, इतना घटिया सामान मेरे पास पहुंचाया गया कि कोई हद नहीं है इस चीज का। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप नाप तौल से कभी भी खरीदारी ना करें। टीवी पर दिखाया गया हर चीज जो आप सामने देखते हो वो सच नहीं होता है, ऐसा ही नाप तौल पर लागू होता है। जैसे कि मैंने एक सामान बाय किया था जिसमें स्मार्ट वॉच और नेक बैंड और एक मोबाइल स्टैंड फ्री दे रहा था, ठीक। तो मैंने सोचा कि भाई 600 रुपए में इतने चीज अच्छे अच्छे और काफी सस्ता में मुझे पड़ने वाला था, तो मैंने सोचा कि बाय कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही सामान मेरे हाथ में आता है तो पता चलता है कि भाई ये तो घटिया से भी एकदम घटिया है। मतलब कि क्या बोले, वो चूना लगा दिया, वो प्लास्टिक का होता ना वैसा सब चीज चिपका दिया गया है, और जो स्मार्ट वॉच है वो काम ही नहीं कर रहा, यानी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है। और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चा को जैसे प्लास्टिक का घड़ी नहीं दे दिया जाता हाथ में बांधने के लिए दिखावे के लिए, वैसा बिल्कुल घड़ी है। और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था कि गजब, मतलब ये इसमें हेल्थ चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, वो बहुत चीजें, क्या बोले, गाली भी आ रहा है लेकिन बहुत भावनाओं को संभाल कर रख रहे हैं। तो कृपया यही इस वीडियो से मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जो चीज़ सामने होता है वो असल में नहीं दिया जाता है नाप तौल की तरफ से, तो आप इस बात का ध्यान रखें और कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करते समय उसका रेटिंग चेक करें। और खास कर मैं ये कहूँगा कि नाप तौल से सामान ऑर्डर ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप एक ब्रांड के पीछे जाते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक वो प्रोडक्ट वर्क करता है, और उसको आप जैसे कहीं भी खराब हो जाता है तो आप उसके कस्टमर केयर में ले जाकर उसे ठीक करा सकते हो। लेकिन नाप तौल पर खरीदा गया सामान वो कितना दिन चलेगा, आज खरीदा कल भी खराब हो सकता है, या आज खरीदा आज का ही खराब हो जाएगा, मतलब आज खरीदा और एक घंटे बाद भी खराब हो सकता है या 5 मिनट बाद भी खराब हो सकता है। इसका कोई ऐसी नहीं है कि ये सामान कितना दिनों तक चलेगा, उसका लाइफ टाइम का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रांड है तो पक्का है, कोई भी सामान खरीदोगे तो आप 3-4 साल तक आसानी से यूज कर पाओगे। तो कभी भी आप ब्रांड के पीछे जाए, ना कि ऑफर देखकर कोई भी सामान आप प्रोडक्ट बाय कर लो, ठीक है। तो हमेशा आप ट्राई करें कि ऑफलाइन जाकर अपनी आंखों से देखें और उस सामान को बाय करें, क्योंकि जो हाथ में फील होता है ना भाई, उसका एक अलग बात है, ठीक है। और ऑनलाइन में आपको क्या देखा वहां पे प्रोडक्ट और बाय कर लिया, और हाथ में कुछ और है। तो इस सब गलती ना करें, आप ज्यादातर कोशिश करें ऑफलाइन ही सामान खरीदने का। ऐसे आपको लगता है कि प्राइस थोड़ा कम बेस होगा, तो आप एक चीज का ध्यान रखें, आप ऑफलाइन मार्केट में जाना जब भी, तो वहां पे ना जो भी मतलब कि ऑफर चलता रहता है ऑनलाइन पे वेबसाइट पे, तो आप दिखाएं दुकानदार को, दिखाएं कि ऑनलाइन में ये चीज इतना सस्ता मिल रहा है, तो वो पक्का अच्छा दुकानदार होगा ना, तो वो कम कर देता है। भाई मैं खुद मोबाइल कितना बाय किया हूँ, जाकर ऑफलाइन मार्केट से दिखाता हूँ कि भैया देख लीजिए यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो भी डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी चाहता है कि मेरे यहाँ से सामान बाई हो, तभी ना उसको पैसा वैसा का कुछ फायदा होगा। तो कोशिश करें कि ज्यादातर आप ऑफलाइन प्रोडक्ट ही बाई करें। वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ स्कैम हो चुका है इसीलिए बता रहा हूँ। और आप सोच रहे हैं कितना दिन से मतलब प्रोडक्ट नहीं दिखाया, अभी आपके सामने लाकर मैं दिखाता हूँ कि मुझे कैसा प्रोडक्ट मिला है। देख सकते हैं ये 3 प्रोडक्ट मुझे आया है। जैसे कि ये हो गया आपका मोबाइल स्टैंड, देख सकते हैं पूरा प्लास्टिक का है भाई, पूरा प्लास्टिक का, कोई इसका यूज ही नहीं है, एक बार नीचे गिरेगा टूट जाएगा, कोई यूज नहीं है। ये 5 रुपए में दुकान में मिलता है, तो इससे देख लीजिए, मुझे लगा कि अच्छा क्वालिटी का होगा, वहां पे लोहे जैसा दिखाया जा रहा था। सबका मैं पिक दिखाऊंगा आपको, पिक मैंने क्लिक किया, मुझे नहीं पता था कि स्कैम हो जाएगा, वरना मैं वीडियो ही बना लेता। कुछ पिक क्लिक किया है टीवी पे जब ये एडवर्टाइज किया जा रहा था। और ये देख सकते हैं, अब अगला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये नेक बैंड मुझे दिखाया गया कि मतलब इतना बेहतरीन होगा, और ये कुछ भी नहीं है भाई, अंदर का इधर का पूरा सामान दिख रहा है, अंदर में क्या क्या है सब चीज दिख रहा है, पूरा प्लास्टिक का है भाई। तो ये सब बाय भी मत करना, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, कुछ भी नहीं है, देख लो ये कुछ भी नहीं है। और आवाज इतना घटिया आ रहा है कि आपको सुनने का मन नहीं करेगा। और ये देखिए, ये घड़ी कहीं से स्टार्ट ही नहीं होता,
ये शो के लिए सिर्फ, कहीं भी बटन नहीं दिया गया स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया गया, आप खुद देख सकते हो। और ये प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया, घड़ी भी कुछ भी नहीं दिया गया, आप खुद देखिए। और कहीं कहीं भी बटन, मतलब घड़ी बोल रहे हैं, ये कहीं से भी आपको स्मार्ट वॉच लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है, मतलब कि ये शो के लिए, आप इसे कहीं भी चला भी नहीं सकते। और दिखा रहा था कि हार्ट बीट दिखाएगा, भाई पहले खुद तो जल जा फिर हार्ट बीट दिखाना। तो इसीलिए मैं कहता, मतलब कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बाई सामान ना करें। यार गुस्सा आ रहा है, इसलिए इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, इतना फास्ट बोल रहा हूँ कि मेरा 700 रुपया, मतलब 600 रुपया बर्बाद हो गया। 100 रुपया मांग रहा था डिलीवरी चार्ज का, मैंने कहा कि नहीं दे सकते हमें डिलीवरी चार्ज, तो वो कह रहा है कि आप स्मार्ट, मतलब नापतोल से फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्ज माफ करते हैं, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका कंप्लेन किया या नहीं, तो एक लिंक आता है, ठीक है, उस पर मैंने क्लिक किया और कंप्लेन किया, ठीक। कॉल आया कि आप मैसेज से बात करना चाहते हैं या कॉल, तो मैंने कॉल का सिलेक्ट किया और बोला कि, मतलब कॉल से बात की है, तो वो बोला कि आपका कंप्लेन रजिस्टर कर लिया गया है, 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगा, ठीक। और भाई साहब ऐसा कोई भी कॉल मेरे पास नहीं आया है, मतलब क्या बोले यार, ऐसा घटिया प्रोडक्ट भेजते हो ना, और ऐसा एडवर्टाइज करते हो कि लोगों को, मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई अच्छा चीज होगा, और वो आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, सामने जो दिखता है उसके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सामान भाई नहीं आता। आप कभी भी ऑफलाइन ही जाकर अपने मार्केट से बाई करें, वहाँ पे काफ़ी अच्छे दामों में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। भाई देखिए मेरे, आप कह रहे होंगे कि अब बताइए 600 रुपये का मैं क्या करूँगा, आखिर बर्बाद हो गया ना ऑनलाइन बाई करने से। मैं आपको ही सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जितना लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि ऑफलाइन सामान बाई करें, और कोई ऑफर के लालच में ना जाए, ऑफर बकवास होता है, एकदम बकवास। ऑफर में दिखाया जाएगा ऐसा ऐसा और सामान आता है ऐसा घटिया क्वालिटी का, ठीक है। तो आपको यही इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि नापतोल जैसे घटिया वेबसाइट से आप कोई भी सामान बाई ना करें, ठीक है। फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें, फ्लिपकार्ट अमेजोन ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही सामान, मतलब प्रोडक्ट बाई करें, ठीक है, ताकि इन हैंड फील होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, और हाथ में रखने में पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। तो उसका फील एक अलग होता है, जो कि ऑफलाइन, मतलब जो कि ऑनलाइन में आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपने पिक देखा और ऑर्डर कर दिया, मतलब कि इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा, और बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जो करें। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन से ही बाई करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। तो फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।